गुड इवनिंग। आज हमारे यूट्यूब चैनल मेड मीट्स पे ये पहला वीडियो है। इसमें हम इस यूट्यूब चैनल पे हम आप सबके लिए, आप सब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, शॉर्ट में वीडियोस लेके आएंगे और सारा कंटेंट कवर करते हुए वीडियोस लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे आज का हमारा टॉपिक है हीम सिंथेसिस। हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर एक डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उस पे जाके आप इसके ऊपर टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपने कितना ग्रास्प किया। तो फ्री टेस्ट सीरीज़ भी, टेस्ट आपको इसके साथ मिलेंगे इस टॉपिक के साथ में। तो हीम सिंथेसिस आप पढ़ेंगे। तो हीम क्या है? सबसे पहले हीम है आयरन कंटेनिंग टेट्रा पायरोल रिंग। आप सबने पढ़ा है, ये नीट में भी आप पढ़ते हुए आए हैं इस चीज़ को। अब हीम सिंथेसिस जो होता है, अपन अगर देखें तो हीम सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा आपको और साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा। ठीक है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा और साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा, दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी साइटोप्लाज्म में भी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा और साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा आपको। ओके, दोनों में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों। अब अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से चालू करेंगे। भाई आप देखो, है ना, बिजली, आप ऐसे याद ध्यान रखो, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो बिजली पावर हाउस से लेके बाहर आती है ना, बाहर। साइटोप्लाज्म मीन्स अपना घर। तो माइटोकॉन्ड्रिया से अपन को साइटोप्लाज्म में जाना है। तो पहला जो एक स्टेप है बिजली का जनरेशन, ऐसे याद रखो, बिजली जनरेट हो रही है फिर बाहर आ रही है। तो पहले अपन एक स्टेप अपना कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो इसमें सक्सेनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन इसके स्टार्टिंग मतलब जो सब्सट्रेट्स चाहिए होते हैं वो है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन। ठीक है, तो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन ALA सिंथेस की प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में, ये डेल्टा अमीनो लिव्यूलिनिक एसिड बनाता है जिसको अपन ALA शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसमें वाइटामिन B6 भी चाहिए होता है इस स्टेप में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो ALA सिंथेज है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेट लिमिटिंग एंजाइम है और ये फीडबैक इनहिबिशन में भी काम आता है। ठीक है, अब इसके बाद अपने माइटोकॉन्ड्रिया से बिजली निकली। ठीक है, ये स्टेप था पहला। पहला कौन सा स्टेप था? सक्सेनाइल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन ALA सिंथेज डेल्टा अमीनो लिव्यूलिनिक एसिड। अब माइटोकॉन्ड्रिया से बिजली तो निकली, मतलब पावर हाउस से बिजली निकली, अब अपने घरों में आएगी। अब अपने घरों में आ रही है वो, अब अपने घरों में आ रही है। ठीक है, निकला तार, निकला, अब साइटोप्लाज्म में आ जाओ, घरों पे आ जाओ। तो ALA के अपन दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ALA के अपन दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। दो मॉलिक्यूल्स ALA के लेने के बाद ALA डीहाइड्रेटेज एंजाइम इसके ऊपर ऐड करेगा। ALA डीहाइड्रेटेज एंजाइम इसके ऊपर ऐड करेगा और पोर्फोबिलिनोजन बनाएगा। इसके फोर मॉलिक्यूल्स अपन लेंगे आगे फर्दर रिएक्शन में, पर बनता क्या है? पोर्फोबिलिनोजन। पोर्फोबिलिनोजन में अपन क्या है, अपने फिर पोर्फोबिलिनोजन से, फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ पोर्फोबिलिनोजन से पोर्फोबिलिनोजन DMinase, HMB सिंथेस और यूरोपोरफाइनोजन 1 सिंथेस, ये एंजाइम्स इसके ऊपर ऐड करते हैं। तो अपन देखेंगे PBG DMinase, मतलब इसमें से चार अमोनिया निकल गए। चार मॉलिक्यूल लिए थे इसके, फोर पॉर्फो बिलिनोजन के चार मॉलिक्यूल लिए थे, तो चार मॉलिक्यूल में से चार अमोनिया निकल गए। अब दूसरा एंजाइम देखते हैं अपन, HMB सिंथेस। HMB सिंथेस देखेंगे, कौन सा एंजाइम देखेंगे? HMB सिंथेस। HMB सिंथेस जैसे अपन देखेंगे तो HMB सिंथेस अपन देखेंगे तो HMB सिंथेस का मतलब HMB बनाना है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन, ये बनेगा अगले स्टेप में। और यूरोपोरफाइनोजन 1 सिंथेस ये भी बनाना है, तो ये भी बनेगा। तो हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन HMB बनाया अपन, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन HMB बना। HMB के स्पॉन्टेनियस यूटिलाइजेशन से बना यूरोपोरफाइरोजन 1, क्योंकि यूरोपोरफाइरोजन 1 सिंथेज यहाँ था। और यूरोपोरफाइरोजन 3 सिंथेज अगर HMBP के ऊपर ऐड करता है तो यूरोपोरफाइरोजन 3 बनेगा। फिर यूरोपोरफाइरोजन 3 के ऊपर यूरोपोरफाइरोजन 3 डी कार्बोक्सिलेज ऐड करेगा तो कोप्रोपोरफाइरोजन बनेगा। क्या बनेगा? यूरोपोरफाइरोजन 3 पे अगर यूरोपोरफाइरोजन 3 डी कार्बोक्सिलेज ऐड करेगा तो यूरोपोरफाइरोजन
थ्री, फिर कॉप्रो पोरफायरनोजन बनेगा, यूरो पोरफायरनोजन थ्री डी कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा तो कॉप्रो पोरफायरनोजन बनेगा। तो अब अपन साइटोप्लाज्म से वापस माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहे हैं। अब यहाँ ऐसे मानो कि पावर कट हो गया शहर में, सिटी में पावर कट हो गया, सी से साइटोप्लाज्म, सी से कॉप्रो पोरफायरनोजन, सिटी में पावर कट हो गया, तो अब फिर से माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है अपन को। अब फिर अपन क्या है, कॉप्रो पोरफायरनोजन से प्रोटो पोरफायरनोजन थ्री बनाएंगे। एंजाइम कौन सा लगेगा, कॉप्रो पोरफायरनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम लगेगा, जिससे अपन बनाएंगे प्रोटो पोरफायरनोजन के बाद अपन लगाएंगे प्रोटो पोरफायरनोजन थ्री ऑक्सीडेज एंजाइम लगेगा, तो उससे क्या बनेगा, प्रोटो पोरफायरन थ्री जो बना उस पे आयरन की प्रेजेंस में हीम सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में हीम बनेगा, विच इज़ इनहिबिटेड बाय लेड। ये लेड से इनहिबिट होता है ये स्टेप हीम बनाने वाला। ठीक है बच्चों, अपन देखो वापस से इसको रिवाइज करते हैं। हीम सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन ALA सिंथेस की प्रेजेंस में ALA बना देगा। ठीक है, अब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ALA चाहिए, अब ALA दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ALA चाहिए, तो ALA डिहाइड्रेटेज एक्ट करेगा और PBG बना देगा। अब चार मॉलिक्यूल्स अपन PBG के लेंगे, तो PBG में फिर एंजाइम कौन सा ऐड कराओगे आप बच्चे, PBG डीएमाइनेज HMB सिंथेस यूरो पोरफायरनोजन वन सिंथेस। अब ये तीन एंजाइम अपन ऐड कराए, PBG डीएमाइनेज का मतलब अमाइनो ग्रुप निकालो PBG में से। ठीक है, HMB सिंथेस तो HMB बनाओ, यूरो पोरफायरनोजन वन सिंथेस यूरो पोरफायरनोजन वन बनाओ, तो HMB बना, देखो HMB बन गया, यूरो पोरफायरनोजन वन बन गया। अब अपन को बात करनी है इसकी, देखना यूरो पोरफायरनोजन थ्री तो यूरो पोरफायरनोजन थ्री सिंथेस से यूरो पोरफायरनोजन थ्री बन गया। अब फिर क्या करना है अपन को, डी कार्बोक्सिलेज लगाना है, क्योंकि देखो डी कार्बोक्सिलेज लगाना है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज याद रखो कि कॉप्रो पोरफायरनोजन बनाना है, कॉप्रो पोरफायरनोजन सिटी मतलब साइटोप्लाज्म में था, आखिरी स्टेप है क्योंकि सिटी है, पावर कट हो गया, अब अपन माइटोकॉन्ड्रिया में जाने वाले हैं। तो डी कार्बोक्सिलेज, तो अपन एंजाइम भी क्या है ना, डी कार्बोक्सिलेज मतलब ऐसे मानो कि सी को सिटी मानो, मतलब डी कार्बोक्सिलेज का जो सी है उसको सिटी मानो, डी कार्बोक्सिलेज मीन्स सिटी में से लाइट चली गई, इसलिए अपन अगले स्टेप में माइटोकॉन्ड्रिया में जाने वाले हैं। तो डी कार्बोक्सिलेज यूरो पोरफायरनोजन थ्री डी कार्बोक्सिलेज से कॉप्रो पोरफायरनोजन और कॉप्रो पोरफायरनोजन से कॉप्रो पोरफायरनोजन ऑक्सीडेज से एंजाइम लगा, कॉप्रोपोरफायरनोजन ऑक्सीडेज, प्रोटोपोरफायरनोजन थ्री ऑक्सीडेज से प्रोटोपोरफायरन थ्री, और आयरन के प्रेजेंस में हीम सिंथेस एंजाइम और आयरन के प्रेजेंस में हीम बन गया। मैक्सिमम सिंथेसिस कहाँ होता है, लिवर और बोन मैरो में मैक्सिमम सिंथेसिस मिलेगा अपन को, लिवर और बोन मैरो के अंदर मैक्सिमम सिंथेसिस मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है, ALA सिंथेस, पर ये बोन मैरो में प्रेजेंट नहीं होता है। मैक्सिमम सिंथेसिस तो लिवर और बोन मैरो में होती है, पर ALA सिंथेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट लिमिटिंग एंजाइम मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। किस में प्रेजेंट नहीं होता, बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये अपना हीम सिंथेसिस आज का टॉपिक था, अपन हीम डिग्रेडेशन भी करेंगे और साथ में डिसऑर्डर्स भी करेंगे और जॉन्डिस भी करेंगे। ठीक है, तो आज ये आपका पहला वीडियो था, इसमें नीचे गूगल फॉर्म्स का एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को एक से दो बार देखने के बाद आप एक बार उस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करिए, तो उसमें आपको वो पता पड़ जाएगा कि आपने इसमें से कितना एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करें।